ओट्स के अंदर, अगर बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, हंगर कंट्रोल के लिए लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर फाइबर अच्छा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, स्लो एब्जॉर्बिंग है, अच्छा है. सो इसके अंदर फाइबर है, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल, फॉस्फरस है, थायमिन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये है. उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आप देख सकते हैं सर्विंग के हिसाब से. एक कह लीजिए आप 100 ग्राम के अंदर कैलोरीज आ जाएगी 300, 389, फैट 7 ग्राम आ गया, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गए 66 ग्राम, प्रोटीन हो गया 17 ग्राम. तो अच्छे खासे इसमें आपको कैलोरीज भी मिल गई, ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड. कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है. टाइप्स आते हैं अलग अलग ओट्स के, और इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के ओट्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन वो कैसे प्रोसेस किए गए, ठीक है. उसमें ओट्स, स्टील कट, स्कॉटिश ओट्स, ओट्स ब्रान, ऐसा क्विक ओट्स, इंस्टेंट ओट्स, ये वो, जैसे इंस्टेंट नूडल वैसा ये भी बना दिया इसको. तो ओट्स भी प्रोसेस किए जाते हैं. होल ग्रेन, जैसे हम रोटी अनाज का, गेहूं का मैदा बना देते हैं, वैसे ओट्स की भी ऐसी तैसी करी है दुनिया में. बाकी होल ओट्स में बहुत बिल्कुल फायदा है, नो डाउट. सो ओट्स हेल्थ के लिए अच्छे हैं कि नहीं? ओट्स के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने ऑलरेडी देखा, उसके कंटेंट को देखा, उसके फाइबर कंटेंट को देखा, जिसमें हेल्थ बेनिफिट है. और प्राइमरी जो मेन उसके अंदर फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, वो होता है बीटा ग्लूकान, जो कि रिसर्च में देखा गया है कि जो डाइजेशन को स्लो करता है और सेटाइटी यानी पेट भर जाता है और एपेटाइट को सप्रेस करता है. तो टेक्निकली स्पीकिंग जो ओट्स का हेल्थ बेनिफिट है, वो जितना आपका स्टील कट ओट्स, जितना आपके ग्रोथ फुल होल ओट्स की बात करें उतना अच्छा रहेगा, जितना प्रोसेस्ड ओट उतना कम बेनिफिट. सो बीटा ग्लूकान करता क्या है, बीटा ग्लूकान एक फाइबर है जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ, कोलेस्ट्रॉल रिच बाइल जो आपके शरीर के अंदर होता है, बाइल एसिड के साथ बाइंड कर देता है इंटेस्टाइन, और उसको और इसके साथ उसको ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक से नीचे, मोशन से निकाल देता है. बेसिकली क्या करता है दिस बीटा ग्लूकॉन, आपने अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा खाया हुआ है उस दिन, जिस दिन आपने ओट्स लिया, मान लीजिए उस दिन आपने, तो उतना कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा. आपने ओट्स खाया, आपने एग येलो खाया, एग येलो 4 खा लिया, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, वो उतना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बिकॉज बीटा ग्लूकान उसको पकड़ के रखेगा, वो नीचे से निकल जाएगा. फायदा ये, दैट्स द फायदा. ओके, सो होल ओट्स के अंदर ये फायदा है. और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ प्लांट केमिकल्स हैं, जैसे फिनॉल्स कंपाउंड्स हैं, जैसे फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं, जो कि एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. दे रिड्यूस द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. कोई भी शरीर के अंदर क्रोनिक बीमारी चल रही है उसमें हेल्प करेगा, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज है उसमें हेल्प करेगा. सो ओट्स के और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम फाइबर. ओट्स के अंदर हार्ट के लिए जो हेल्थ बेनिफिट माना जाता है, नंबर वन तो जैसा बताया फाइबर के लिए, और इसके ऊपर कई मेटा स्टडीज हुई हैं, उसके मेटा एनालिसिस में देखा गया है कि यस उसके अंदर फायदा है. और ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओट्स की भी देखी गई कि भाई जो इंस्टेंट ओट है, ओट ग्रोट्स है, फुल होल ग्रेन ओट्स है उसमें, तो यहाँ पर ये जरूर देखे आएगा कि ऑब्वियसली बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि जो जितना इंस्टेंट होंगे उतना थोड़ा कम फायदा होगा, जितना अच्छे होल ग्रेन्स होल ओट्स होंगे उतना फायदा ज्यादा हो जाएगा. पर फायदा तो होगा, नहीं भी कम खुद होगा. कई जगह पे एक और प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी हुई थी जिसमें कि ये देखा गया कि होल ग्रेन इंटेक से 25-27% तक कम हुआ हार्ट अटैक का रिस्क. ठीक है, सो राई, ओट्स, होल वीट्स, ये सब आपके रिस्क कम करेंगे बिकॉज ऑफ नंबर वन फाइबर, बिकॉज ऑफ अदर प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है. और उसमें कितना क्वांटिटी बोला, 3 grams ऑफ बीटा ग्लूकान सॉल्युबल फाइबर. सॉल्युबल फाइबर आपको चाहिए, होल ओट से ले लो चाहे आप कहीं से ले लो, वो क्या करेगा आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका 12 points से कम कर देगा. सो डायबिटीज में भी यही फायदा होगा, बीटा ग्लूकॉन फाइबर्स आपके शुगर लेवल को भी हेल्प करता है बिकॉज वो एब्जॉर्ब स्लो होगा, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो शुगर लेवल राइज नहीं होगा या उतना नहीं होगा जितना आप सिंपल शुगर खाएंगे तब होगा. सो बेनिफिट आपको उससे भी मिलेगा, बेनिफिट आपको गट हेल्थ, इंटेस्टाइन की हेल्थ में भी मिलेगा. फाइबर इज ब्रोकन डाउन एंड वो फर्मेंट होता है आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से, तो कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है, बट देन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विल बी हैप्पी बिकॉज दे हैव फूड टू ईट, राइट. सो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अगर आप लेते हैं और वो मिनिमली प्रोसेस्ड हो, होल ग्रेन्स का हो, तो वो सबसे अच्छा है एक डायबिटिक और एक हार्ट डिजीज, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक मोटे पर्सन के लिए. ग्लाइसिमिक लोड टोटल यानी कि कितना कार्ब्स हैं, कितना उसके अंदर, कितना हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स वाले हैं, वो जितना अच्छा रहे कम उतना अच्छा बढ़िया. तो स्टील कट ओट्स आर द बेस्ट, हाईली प्रोसेस्ड इंस्टेंट ओट्स हाई ग्लाइसिमिक वो थोड़े से कम खाएं, सेकेंडरी चॉइसेस. अब वेट लॉस की बात कर लेते हैं. बीटा ग्लूकॉन फाइबर्स ऑब्वियसली इससे एक फायदा होता है, ये अट्रैक्ट करता है पानी को, और इसके वजह से क्या करता है, ये पानी के वजह से जो वॉल्यूम है पेट के अंदर वो बढ़ा देता है, तो पेट जल्दी भर जाता है, गट फुल फुले रहते हैं, मोशन अच्छे खुल के आते हैं, फुला हुआ मस्त पेट रहता है, तो कम खाने में पेट भर जाता है. इससे क्या होगा, एक तो पानी ज़्यादा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, डाइजेशन स्लो होगा, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, आपके इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, आपका कम खाने में पेट भर जाएगा,
ऑब्वियसली इससे आपका वेट कम होगा. सो इससे सेटाइटी यानी पेट भी जल्दी भरेगा और हॉर्मोन्स भी एपिटाइट रेगुलेटेड रहेंगे. सो दिस इज वन. डाइजेस्टिव हेल्थ भी जैसा मैंने बताया बेटर होगी. कुछ तरीके से आप कह लो कि मोशन पास करने में आसानी जिनको नहीं होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है. फाइबर्स इसब गोल की जगह ओट्स भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं. और ये होल फूड होल ग्रेन्स व्हीट ब्रान ऐसी चीज़ों भी बहुत अच्छी रहती हैं फाइबर की जैसी. और इस चीज़ का जो बीटा ग्लूकान आपके सॉल्युबल फाइबर है ये आपके पेट में जाके फर्मेंट होता है, उससे भी आपके माइक्रोब्स जो गट माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी बढ़ती है वो बहुत अच्छी है आपके लिए पेट के लिए. सो इसके भी कई बार जो डायरिया कॉन्स्टिपेशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं. तो ओट्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल इन दीज पेशेंट. प्योर ओट्स एक्चुअली आर ग्लूटेन फ्री. प्रॉब्लम क्या होता है कि ये प्रोसेस करते हैं, उसके प्रोसेसिंग में ये क्या करते हैं ऐसी जगहों पे फैसिलिटीज जहाँ पर वीट राई बार्ली उसको भी प्रोसेस हो रहा है तो साथ में प्रोसेस होता है तो कंटेमिनेशन हो जाता है ना. कंटेमिनेशन होके वीट क्रॉप और उसके बाद मान लो वीट का फिर ग्लूटन का ये तो मिक्स हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उस कंटेमिनेशन की वजह से ग्लूटन क्वांटिटी बनती है. वरना प्योर ओट्स आर ग्लूटन फ्री. ठीक है, दैट्स हाउ इट इज. प्लस कई बार ओट्स को स्किन के ऊपर भी लगाया जाता है. ओट्स के ओट मील को आप लगाएं स्किन के ऊपर तो वो एक्जिमा फेशियल आपके इरिटेशन कई चीजों में भी फर्क पड़ता है. ओट मील बाथ भी होती है वो भी लोग यूज करते हैं. सो ओट्स के इतने दुनिया भर के बेनिफिट आपको बता दिए, कई रिसर्च बता दिए. आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें. ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. ऐसे ही टॉपिक्स फिर से हम लेंगे और लेंगे, आते रहेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.